देखें, मैंने आपको बताया कि एज ए टीम डायरेक्टर जब मुझे ये रोल मिला तो जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर थे वो तो अवेलेबल हैं ही, लेकिन जो नॉन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड कुछ प्लेयर थे उनको मैंने खुद कॉल की। उसमें इमाद भी थे क्योंकि उन्होंने साइन नहीं किए थे, ही इज़ बीन ऑफर्ड लेकिन उन्होंने साइन नहीं किए थे। तो मैंने उनको खुद कॉल की और उनसे मैंने उनको बताया कि मेरे प्लान में पाकिस्तान एज ए टीम डायरेक्टर आप मौजूद हैं और मैं ये चाहता हूँ कि आप पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व करें और आप मुझे अपनी अवेलेबिलिटी दें, जिस पे उनकी तरफ से ये था कि वो इसको सोच के बताएंगे। दो दिन के बाद उन्होंने मुझे मैसेज किया कि ही इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द न्यूजीलैंड सीरीज। इतने मैसेज के बाद उन्होंने अगले दो दिन के बाद उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। सबसे पहले तो मैं इमाद के लिए बहुत दुआगो हूँ कि उन्होंने पहले तो उनकी मैं सर्विसेज को एक्नॉलेज करना चाहता हूँ कि उन्होंने जितनी सर्विसेज पाकिस्तान के लिए दिए हमें बहुत खुशी है कि वो पाकिस्तान के बेहतरीन सर्विसेज देके गए। एक ईमानदार और बेहतर तरीके से उन्होंने अपनी एग्जीक्यूशन की, अपने टैलेंट की पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन के लिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है कि आप अपने कैरियर के अंदर कोई भी ऐसी आपसे गलती ना हो जाए या कोई ऐसा काम ना हो जो पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को डाउन करे। तो ये इमाद की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मैं उनको प्रेस करता हूँ उनके कैरियर के ऊपर और उनके लिए दुआगो हूँ कि वो यहाँ से जो भी अगला उनका जो ज़िंदगी के जो फ्यूचर प्लान्स हैं उसमें वो बहुत कामयाब हों। दूसरा, ज़रूर इसी तरह आमिर की आप बात कर रहे हैं तो मैंने खुद आमिर को कॉल की और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि ये अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान आप खेलना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपनी रिटायरमेंट वापस लें, आप दोबारा डोमेस्टिक सर्किट में जाएं, वहाँ पे परफॉर्म करें, वहाँ से सिलेक्शन कमेटी आपकी परफॉर्मेंस की बेसिस पे आपको सिलेक्ट करेगी और जब आप हमारे पास आ जाएंगे पाकिस्तान टीम में तो आई अश्योर यू कि यू विल बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी लाइक अदर्स, कहीं पे भी कोई तकलीफ नहीं होने वाली। उन्होंने कहा, उन्होंने इसके ऊपर मुझे ये बोला कि ही ऑलरेडी मूव्ड ऑन, उनकी लाइफ के अंदर जो भी उनके ज़िंदगी की जो प्रायोरिटीज़ हैं या जिनको उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी क्योंकि बदल चुकी है और पिछले कुछ अरसे में उन्होंने अपने लिए जो फैसले किए हैं उसी के मुताबिक चलना चाहते हैं, जो कि वी ऑल हैव टू रिस्पेक्ट कि अगर किसी इंडिविजुअल की अपनी ज़िंदगी के कोई फैसले हैं तो हमें उसको रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने भी यही बोला कि वो अपने आप को इंटरनेशनल लीग्स में अपने आप को ज़्यादा बेहतर वो समझते हैं कि वो ज़्यादा रोल प्ले कर सकते हैं, वो दोबारा बैक टू स्क्रैच नहीं जाना चाहते। दैट इज़ हिज ऑब्वियसली डिसीजन और हमें उसको रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। तो मैंने बड़ा क्लियर मैसेज ये दो और इसके अलावा भी कुछ प्लेयर मुझे जो लगे कि उनको मैंने कॉल किया है और मैंने उनको बताया कि आप हमारे लिए फुल हमारे प्लान में हैं लेकिन यू हैव टू गेट इन टू द सिस्टम, यू हैव टू परफॉर्म इन डोमेस्टिक क्रिकेट। आप अगर वहाँ पर अपने आप को अवेलेबल नहीं करेंगे तो आपको घर से बुला के पाकिस्तान की प्राइड नहीं मिलेगी। यू नीड टू गेट इन्वॉल्व विद द पाकिस्तान क्रिकेट, यू नीड टू कम्पीट इन द सिस्टम, वहाँ से आप अपनी परफॉर्मेंसेज दें, सिलेक्टर आपकी परफॉर्मेंसेज को जज करेंगे और उसकी बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। तो मेरे एज ए टीम डायरेक्टर प्लान के अंदर वेरी क्लियर ये चीज़ है और मैं सबको बताता जाऊँ कि मैं हर एक बंदे को क्लियर कम्युनिकेट करूँगा, अगर उसकी कम्युनिकेशन का जवाब मेरे पास आएगा तो डेफिनेटली मैं उसको उसी के मुताबिक कंसिडर करूँगा। लेकिन अगर किसी की भी इंडिविजुअल जो है वो डिसीजन है तो वो उसका अपना इंडिविजुअल डिसीजन है, हमें सबको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उसने खेलनी है T10 लीग, मनी इज एवरीथिंग फॉर हिम, उसको परवाह नहीं है पाकिस्तान की, उसको सिर्फ परवाह है अपनी। लोग इमाद वसीम के पीछे पागल हो रहे थे, बोल रहे थे कि इमाद वसीम को ओडीआई वर्ल्ड कप का कैप्टन होना चाहिए, वर्ल्ड कप के अंदर होना चाहिए था इसको स्क्वाड में शदाब खान की जगह, लेकिन असल हकीकत इसकी देख ली आप लोगों ने। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल विजिट किया होगा इस पर मैंने पहले ही वीडियो बना दी थी कि इमाद वसीम के बारे में बाबर आजम की जो राय थी वो बिल्कुल ठीक थी, आप मेरा चैनल विजिट कर भी सकते हैं इस बारे में। दूसरी कंट्री की तरफ देखते हैं तो बड़ी बड़ी मिसालें सेट की हुई उन लोगों ने। बैट कमिंग्स ने आईपीएल छोड़ दी थी अपनी कंट्री के खातिर, उसने कहा था मैं ओडीआई पे फोकस करना चाहता हूं, टेस्ट पर फोकस करना चाहता हूं। देखो आज उसने ट्रॉफी जीत कर अपनी कंट्री का नाम रोशन किया और हमारे प्लेयर पैसों की खातिर पाकिस्तान को बेच देते हैं, पैसों की खातिर लीग खेलने दूसरी कंट्री में चले जाते हैं। सम पीपल इज थिंकिंग अगेन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लॉस्ट वन डायमंड आफ्टर मोहम्मद आमिर। मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, एक गंदा आम पूरे आम की पेटी को खराब कर देता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इंसानों पर परफेक्ट मिसाल बनती है। आज ये देख भी लिया, देखकर पता चला इमाद वसीम क्यों मोहम्मद आमिर के साथ शो करता था, उसकी ही लाइन पे चल पड़ा।